हाईकोर्ट के आदेश के बाद परसोडी मेन रोड से प्लॉट को कराया गया कब्जा मुक्त। भारी संख्या में की गई पुलिस बल की तैनाती। भाजपा जमशेदपुर महानगर की नई कमेटी के नव पदस्थापित अधिकारियों और पदाधिकारियों को विभिन्न मंडलों में किया जा रहा सम्मानित। NIT जमशेदपुर में आज एक तनाव प्रबंधन तकनीक की कार्यशाला का किया गया आयोजन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परसोडी स्थित मेन रोड में स्थानीय दबंगों के कब्जों से प्लॉट संख्या 500 को कब्जा मुक्त कराया गया। हर विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। परसोडी थाना अंतर्गत मेन रोड बाजार के पास शिव कुमार अरोड़ा और कश्मीरी लाल अरोड़ा की खतियानी जमीन, जिसका प्लॉट संख्या 500 है, लगभग 11 डेसिमल उनकी जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा था। पिछले 40 वर्षों से इनका मुकदमा कोर्ट में चल रहा था, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच इनकी जमीन को स्थानीय दबंगों से मुक्त कराया। इस दौरान किसी तरह की विपरीत परिस्थिति उत्पन्न न हो, इसे ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ताकि हर विपरीत परिस्थिति से निपटा जा सके। जमीन का मामला है, जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। इसी के संदर्भ में 98 और 99 में दो केस फाइल किया गया था। एक टाइटल रिविजन सूट था 68-99 और एक टाइटल सूट था 69-99, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा केस करने वाले पक्ष में आदेश जारी किया गया और डिग्री प्रदान किया गया। और डिग्री प्रदान करने के पश्चात शिव कुमार अरोड़ा और बनारसी लाल अरोड़ा और कश्मीरी लाल अरोड़ा के द्वारा दो एग्जीक्यूशन केस फाइल किया गया था, जिसका नंबर था एग्जीक्यूशन केस नंबर 131/2022 और 132/2022। और दोनों ही केस में माननीय न्यायालय के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि डिग्री होल्डर के पक्ष में जा करके उनके ज़मीन को कब्जा मुक्त करके उनको कब्जा दिलाया जाए, और उसी आदेश का अनुपालन करने के लिए आज हम लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं और उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। नव प्रतिस्थापित अधिकारियों पदाधिकारियों का शहर के विभिन्न मंडलों में सम्मान समारोह का सिलसिला जारी है। इसी के तहत बिरसा नगर मंडल में दूसरी बार भी बबलू गोप मंडल अध्यक्ष एवं नव मनोनीत महामंत्री संजीव सिंह का कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन सह सम्मान समारोह के माध्यम से फूल माला, अंगवस्त्र और लड्डू खिलाकर सम्मानित किया। इस मौके पर महामंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों पर आंदोलन करने की आवश्यकता है। वहीं मंडल अध्यक्ष बबलू गोप ने कहा है कि क्षेत्र की साफ सफाई, बिजली पानी की समस्या सहित नशे के कारोबार को रोकने के लिए मुहिम छेड़ी जाएगी, ताकि नशे की ओर बढ़ते युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। प्रदेश और जिला के द्वारा जो मुझे दोबारा विश्वास से मंडल अध्यक्ष बनाए और हमारे काम को देखते हुए उन्होंने विश्वास जताया, साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में जो भी जन समस्या है, कुछ कुछ काम बाकी है, उस काम को भी हम लोगों को पूरा करना है, और क्षेत्र में जो भी नशाखोरी है उस पर भी हम लोग लगाम लगाने का कार्य करेंगे। थाना में जाकर उस ज्ञापन सौंपेंगे, JNC में जाके ज्ञापन सौंपेंगे, बिजली विभाग में जाके ज्ञापन सौंपेंगे फिर से, और क्षेत्र की जनता को हम लोग एक अच्छा सुविधा, हाँ अच्छा सुविधा प्राप्त हो। जैसे पानी का समस्या होती है, जो बरसात में जो गंदगी पानी आती है, उसमें भी हम लोग ज्ञापन जाके सौंपे और फिर से हड़ताल पे भी जाएंगे। इस तरह का जो भी कार्य है क्षेत्र में, उस कार्य को पूरा करने के लिए फिर से मुझे विश्वास जताया है। मैं प्रदेश और जिला के सभी लोगों को बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे दूसरा बार दायित्व मिला। मैं फिर से उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। आज NIT जमशेदपुर में एक तनाव प्रबंधन तकनीक की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन गौतम सूत्रधार निदेशक NIIT जमशेदपुर और RP सिंह दीन ने किया। इनमें लगभग 100 छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को तनाव से उबारना था, क्योंकि जीवन की परीक्षाओं का सामना करने के लिए सहनशीलता, दृष्टिकोण और गरिमा का मिश्रण आवश्यक है। जीवन की चुनौतियां चाहे वह बड़ी हो या छोटी अनिवार्य है। हम उनका सामना कैसे करते हैं, यह हमारे विकास और क्षेत्र को आकार देते हैं। आजकल छात्र और छात्राओं के द्वारा आत्महत्या की संख्या काफी मात्रा में बढ़ गई है। छात्र काफी तनाव झेल रहे हैं और तनाव के कारण छात्र छात्राएं आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं।
अगर छात्र छात्राएं तनाव मुक्त होकर किसी भी कार्य को या शिक्षा ग्रहण करते हैं तो जीवन उनके लिए आसान हो जाएगा और वे विकास की ओर अग्रसर हो पाएंगे। आजकल की जिंदगी में इतना ज्यादा स्ट्रेस है, चाहे वो एम्प्लॉई हो या स्टूडेंट्स हो, स्ट्रेस बहुत लेवल बहुत ही ज्यादा है। इसकी वजह बहुत सारी होती है, हम सबको जानते। तो मेन ये कार्यक्रम को अरेंज करने का मेन मकसद यही था कि स्टूडेंट्स को का स्ट्रेस लेवल को थोड़ा रिड्यूस किया जाए। तो ये मैम ने जो भी ट्रिक्स बताया है उससे क्या होता है कि हमारे चारों तरफ जो ऑरा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो बच्चे इससे क्या सीखेंगे कि वो अपनी नेगेटिविटीज़ को हटा के पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर इंस्टॉल कर सकेंगे, और ताकि उनको उतना स्ट्रेस ना हो और इतना जो सुसाइड्स और वो लोग जो एगर कर रहे हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ड्रग्स एंड अदर थिंग्स जो कि बहुत हानिकारक है हमारे समाज के लिए, ये सब से बचने के लिए ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का कार्यक्रम बहुत ही ज़रूरी है। इसको एक पाठ्यक्रम के का एक रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, वो दिख रहे हैं यहाँ कि बच्चे महसूस कर रहे हैं कि हाँ हमें पॉजिटिविटी आ रहा है हमारे बॉडी में। चेस ग्रुप ऑफ जमशेदपुर द्वारा 10 अगस्त 2024 को देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन माइकल जॉन सभागार बिष्टोपुर में किया गया। इस अवसर पर श्री अशोक भालोटिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। साथ ही सम्मानित अतिथि के रूप में श्री SP चतुर्वेदी, विश्व उपाध्यक्ष जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन एवं श्री अमरप्रीत सिंह काले, समाज सेवी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री विनोद कपूर, श्री AK पाठक सेंट्रल कमेटी मेंबर एवं श्री दीपक शर्मा फेडरेशन प्रेसिडेंट F8 जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में शहर के 30 स्कूलों ने हिस्सा लिया। आज हम लोग का ये 42वां ही हिंदी देशभक्ति गीत का प्रतियोगिता हो रहा है। इस प्रतियोगिता में हम लोग का करीब 28 स्कूल ने भाग लिया है, और इसमें हर स्कूल को दो दो गीत गाना है और उनको दो दो इंस्ट्रूमेंट के भी अलाउ किए। हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट के साथ दो दो गीत गाना है, जैसे तबला हारमोनियम है या गिटार है या कुछ भी। तो अभी तक हम लोग का अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। करीब सब मोटा मोटी सारी स्कूलें आई है, एक दो स्कूल छोड़ के सब स्कूल का अटेंडेंस भी मिल गया है, और प्रोग्राम बहुत सुंदरता से हो रहा है। और हम समझते हैं कि शाम 7-8 बज जाएगा, उसके बाद हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्राइज सबको देंगे। सब बच्चों को हम लोग ने सर्टिफिकेट भी दिया है प्रोग्राम के लिए, सबको सर्टिफिकेट सब आदमी को दिया है, जब जो भी बच्चा पार्टिसिपेट किया है। एक्चुअली क्या है, मेरा हम लोग का मेन उद्देश्य है प्रोग्राम कराने का कि हम लोग के बच्चों में जिस तरह अपने हर आदमी बच्चा में अपना घर के लिए एक अपना अपन होता है कि मेरा घर है, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा मम्मा है, ये मेरा पापा है, और उस घर के लिए वो बच्चा कुर्बान रहता है, अपने सब कुछ बने देने के लिए कुर्बान रहता है। उसी तरह अगर ये सब प्रोग्राम हम लोग कराएंगे तो बच्चे को मालूम होगा देश क्या चीज़ है। आदित्यपुर स्थित NIT की NSS इकाई और शनि भक्त मंडल ट्रस्ट द्वारा साझा रूप से मिलकर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज का यह रक्तदान शिविर NIT आदित्यपुर का 47वां रक्तदान शिविर था। आज के इस शिविर का उद्देश्य रक्तदान के माध्यम से जीवन संरक्षण करना एवं समाज में स्वास्थ्य के लिए जागरूकता फैलाना था। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि के रूप में NIT जमशेदपुर के निदेशक गौतम सूत्रधार, उप निदेशक RV शर्मा और रजिस्ट्रार कर्नल डॉक्टर निशित कुमार राय, प्रोफेसर राजीव भूषण एवं NSS के संचालक डॉक्टर जयेंद्र कुमार आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। रक्तदान शिविर में इस बार 400 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। इस शिविर की शुरुआत आज प्रातः 9 बजे हुई, जिसमें रक्तदान हेतु लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दोपहर 1 बजे तक 180 यूनिट रक्त संग्रहित हो चुका था। NSS सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई। NIT जमशेदपुर के NSS यूनिट और शनिदेव भक्त मंडली ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया महारक्तदान शिविर एक सकारात्मक परिवर्तन की मिसाल है। इसी परंपरा के तहत फिर से जनवरी 2025 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। सर, ये NSS और श्री शनिदेव भक्त मंडली ट्रस्ट के द्वारा NSS NIT जमशेदपुर यूनिट और शनिदेव भक्त मंडली ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया ये ब्लड डोनेशन कैंप है, जो आज 9 बजे शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय निदेशक गौतम सूत्रधार सर और रजिस्ट्रार निशित कुमार राय के द्वारा किया गया, और ये शाम के 4 बजे तक चलेगा, जब तक कि 4:30 बजे तक समय है, लेकिन ये उससे आगे भी जा सकता है 5-6 बजे तक। हर साल काफ़ी देर होती है, क्योंकि यहाँ काफ़ी संख्या में हम लोगों का टारगेट 300+ डोनर का है,
और उस स्टैंडर्ड को अचीव करने में जब तक समय लगे, 6-7 भी बचता है कभी कभी, तो हम तब तक इस काम को करते रहेंगे। यूनाइटेड जमशेदपुर के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, हम लोग कई तरह के कार्यक्रम चलाते हैं, उसी कार्यक्रम में एक यह ब्लड डोनेशन कैंप है, रक्तदान शिविर, जो हम लोग हर साल करते थे और इस साल हम लोग साल में 2 बार कर रहे हैं, 1 जनवरी में हुआ था, 1 अगस्त में हो रहा है। आज सांची के कैनेलाइट होटल में क्षत्रिय समाज की ओर से सर्व समाज सावन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षत्रिय समाज की ओर से आज एक विशाल सर्व समाज सावन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सावन के इस पावन मौसम में सभी समाज को एकजुट करना है। इस कार्यक्रम में शिवम शिल्प कला की अध्यक्षा मधु सिंह ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में हर धर्म और जाति के लोग आए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में एकजुटता लाना है। यहाँ पे एक्चुअली पिछले 3 साल से हम लोग क्षत्रिय समाज की तरफ से सावन उत्सव कर रहे थे। इस साल हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, क्षत्रिय समाज सर्व समाज को लेकर के एक एकता का परिचय देने के लिए आज हम लोग सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर के सावन के इस पावन महीने को उत्सव मनाने के रूप में आए हुए हैं, जिसमें हर धर्म के लोग आए हुए हैं, हर जाति के भेदभाव से हम लोग ऊपर उठ के एक एकता के परिचय के सूत्र को बांधने के लिए करते थे। बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।